फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन। आज हम वीडियो बना रहे हैं सी लैंग्वेज के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, इज़ इट पॉसिबल टू रन प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन? क्या मेन फंक्शन के बिना प्रोग्राम को चलाना पॉसिबल है? देखो, मेन फंक्शन के बिना प्रोग्राम को चलाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम को चलाने के लिए एक मेन फंक्शन ज़रूर चाहिए होता है। हाउ मैनी मेन फंक्शन कैन वी हैव इन आवर प्रोजेक्ट? आंसर इज़ वन। हमारे पास एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं हो सकते। मेन फंक्शन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है प्रोग्राम का, वो सिर्फ एक ही होता है। साइज़ ऑफ क्या है? साइज़ ऑफ एक ऑपरेटर हुए जो इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट वगैरह के साइज़ को दिखाता है। इज़ इट ट्रू दैट ए फंक्शन मे हैव सेवरल डिक्लेरेशन बट ओनली वन डेफिनेशन? ये बात भी ट्रू है। जैसे डिक्लेरेशन लेते हैं इंट सम इंट इंट। इज़ अलाउड टू ऐड द नंबर्स टू? इंट ए इंट भी डाल दो तो भी सेम रिजल्ट आएगा। दोनों के अंदर वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? डिफाइन हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंट मेन एक्सटर्न इंट आई डिक्लेयर किया हुआ है। देखो, यहाँ पर एक्सटर्नल वेरिएबल हमारा मेन प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया हुआ है। एक्सटर्नल वेरिएबल हमेशा क्या होता है? मेन से पहले डिफाइन होता है, तो इसलिए ये अनडिफाइंड रेफरेंस हो जाएगा। किसके लिए? आई के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल वेरिएबल इज़ ऑलवेज डिफाइंड आउटसाइड द मेन फंक्शन। एक्सटर्न इंट आई क्या है? एक्सटर्न इंट आई एक डिक्लेरेशन है किसी भी वेरिएबल की आउटसाइड द मेन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सेवन्थ, इंट मेन इंट एक्स इज इक्वल टू 10, इंट एक्स इज इक्वल टू 0, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स रिटर्न 0। इसमें क्या आएगा? यहाँ पर देखिए, अंदर में हमने एक्स की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करी हुई है, तो जो लेटेस्ट वैल्यू आप इनिशियलाइज करते हैं वही प्रोग्राम के अंदर स्टोर हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज़ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट एक्स इज इक्वल टू 10, इंट मेन इंट एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आंसर देगा? यहाँ पे भी वैल्यू वही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करी ना अंदर, तो इसलिए अंदर वाली वैल्यू को ही वो क्या करता है? कॉल करता है। मैंने इंट मेन लिया, करेक्टर स्टार पॉइंटर 1, करेक्टर स्टार पॉइंटर 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि 32 बिट का आपका कंपाइलर है। जब एक कंपाइलर हमारा 32 बिट का होता है तो वो 4 बिट का मेमोरी को लेता है। साइज ऑफ पॉइंटर 1 जो होगा वो 4 बिट का हो जाएगा, 4 बाइट का, सॉरी 32 बिट का मतलब 4 बाइट होते हैं। तो हमारा आउटपुट प्रिंट होगा 4 4। पहले परसेंटेज डी के लिए 4 प्रिंट होगा, दूसरे परसेंटेज डी के लिए भी 4 प्रिंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोस्ट फास्टर अमंग दिस? सी लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा फास्टर है। सबसे ज़्यादा फास्टर होती है बाइनरी लैंग्वेज, उसके बाद फास्टर होती है असेंबली लैंग्वेज, फिर सी, फिर सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर पीएचपी, फिर वीबी। मतलब वीबी सबसे ज़्यादा समय लेने वाली लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंट मेन हमने इंटीजर ए लिया, प्रिंट एफ सी पी पी बज डॉट कॉम। देखो, यहाँ पर cpbbuzz.com जो है इसका अंदर 11 करेक्टर्स है, तो इसलिए पहले तो cpbbuzz.com प्रिंट करा देगा, फिर जो परसेंटेज डी ए लिया हुआ है उसमें वो इन 11 करेक्टर्स को ले लेगा और हमें 11 करेक्टर्स क्या हो जाएंगे? प्रिंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब cpzz cpbuzz.com 11 हमारे पास क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द आउटपुट? इंट मेन इंट ए इज इक्वल टू 10/3, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा ए, रिटर्न 0 कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है। जब भी हम दो वेरिएबल को डिवाइड करते हैं तो उसकी जो कोशेंट होता है वो हमारा आंसर होता है डिवाइड करने के बाद। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हमारा क्या होता है? 3 होता है। तो आंसर क्या रहेगा? 3 रहेगा यहाँ पर। Which of the following is executed by preprocessor? Preprocessor वो फाइल होती हैं जो मेन से पहले डिक्लेयर की जाती हैं, जैसे hash include sco.h, hash define। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से hash include sco.h आपको दिया गया है, ये एक predecessor है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 10.5 दे रखी है लेकिन printf के अंदर परसेंटेज डी दे दिया यहाँ पर,
अब देखो परसेंटेज डी अगर प्रिंट एफ के अंदर दे रखा है तो वो इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराएगा। अब 10.5 में इंटीजर वैल्यू क्या है, 10 है, तो आउटपुट इसकी क्या प्रिंट हो जाएगी, 10 प्रिंट हो जाएगी, बाकी आउटपुट को वो इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीजर ए, आपको एक इसने अंडरस्कोर लिया हुआ है। अंडरस्कोर जो होता है वो वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि आपने स्पेशल सिंबल्स वेरिएबल डिक्लेरेशन में पढ़ा होगा कि अंडरस्कोर जो है एक वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन है। एक सिंगल वेरिएबल 10 की वैल्यू ले रहा है, दो वेरिएबल 20 की वैल्यू ले रहा है, और तीन वेरिएबल में दोनों को ऐड कर रहे हैं। तीन वेरिएबल में दोनों को ऐड करने का मतलब 10 प्लस 20 प्रिंट हो जाएगा, और 10 प्लस 20 का मतलब होगा कि डबल वेरिएबल की वैल्यू वो क्या प्रिंट कराएगा, 30 प्रिंट कराएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, डी रहेगा। हमने 16वें क्वेश्चन में हमें कहता है ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, और सी के अंदर मैंने ए प्लस बी डाल दिया। ए प्लस बी का मतलब 5 + 10 डाल दिया। 5 + 10 कितना होता है, 15 होता है, तो सी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 15 प्रिंट हो जाएगी, और आपका काम खत्म। इंट मेन लिया हमने, करेक्टर एरे 5 ले लिया, cpbus.com प्रिंट करना है स्ट्रिंग को। अब देखो यहाँ पर हमने 5 करेक्टर ले लिए, मैक्सिमम साइज़ 5 का ले रखा है, और आउटपुट डाल दी हमने कितनी, वेरिएबल कितने डाल दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 14 हमारे पास आउटपुट डाल दी, तो ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने के कारण ये कंपाइलेशन एरर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 18th, इंट मेन ए इज इक्वल टू 320, करेक्टर स्टार पॉइंटर, पॉइंटर इज इक्वल टू करेक्टर स्टार एंड ए ले लिया हमने, फिर प्रिंट एफ किया हमने परसेंटेज डी स्टार पॉइंटर। अब 320 हमारा क्या है, एक करेक्टर है, जब पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके एक बिट शिफ्ट कर देता है। एक बिट शिफ्ट करने के कारण इसका आंसर 64 आता है। देखिए समझिए इस बात को, अगर आपको कन्वर्ट करना है 320 को बाइनरी के अंदर, तो उसका बाइनरी नंबर होता है 101000000, 9 डिजिट्स के अंदर। अगर एक बिट को हम शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि 8 बिट लेगा वो, तो वो क्या आएगा, 01000, विच इज़ 64। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 64 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीजर एक्स लिया, एक्स की वैल्यू 10, 20, 30 है। देखो जब हमारे पास तीन वैल्यूज़ को इकट्ठे एक सिंगल वेरिएबल में कोमा करके डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वो सिर्फ पहली वैल्यू को उठाता है, बाकी दो वैल्यूज़ को वो इग्नोर कर देता है, तो परसेंटेज डी एक्स के अंदर यहाँ पर 10 प्रिंट होगा। तो आंसर रहेगा हमारा ए, 10। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है, हाउ मेनी टाइम क्रिक बस विल बी प्रिंटेड इंट मेन फंक्शन के अंदर। देखो इंटीजर ए इज इक्वल टू 0 है, तो 0 के अंदर इंक्रीमेंट हुआ लेस देन 5 - a++। 5 - a++ का मतलब ये 5 में से जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसको कम कर रहा है, तो इसका मतलब वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा। पहली बार में कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू हो जाएगी, और वो सेटिस्फाई होकर प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट हमें कह रहा है ए प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 5, इसमें ये 5 बार चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल 5 तक लूप चलाने के लिए कहा गया है, तो एक लूप जो है वो 1 से लेकर 5 तक चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स क्रिक बस इज प्रिंटेड, क्रिक बस कितनी बार प्रिंट होगा वाइल ए प्लस प्लस। देखो यहाँ पर एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं है, जब एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं होता है तो वो कभी भी लूप एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये लूप जो है वो 0 बार चलेगा। जब एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं होता है तो लूप 0 टाइम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम क्रिक बस इज प्रिंटेड इन दिस वाइल ए। अब ए इज इक्वल टू 0 दे दिया, 0 दे दिया तो नेचुरली बात है वो 0 टाइम ही प्रिंट कराएगा, मतलब ये लूप चलेगा ही नहीं, और आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, कुछ भी अभी ए बार भी पहले प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी टाइम क्रिक बस इज प्रिंटेड इन दिस। देखो मैंने एक ही टाइप के आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। वाइल प्लस प्लस ए, अब यहाँ पे देखिए वाइल प्लस प्लस ए मैंने दे दिया, अब इसमें हमारे पास इंक्रीमेंट प्रॉस इंक्रीमेंट दे दिया मैंने, और आपको एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया है हमने, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट टाइम चलेगा जब तक स्टैक हमारा ओवरफ्लो नहीं हो जाता। अगर ए प्लस प्लस होता है तो वो प्री इंक्रीमेंट होता है, प्री इंक्रीमेंट में ए की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। अब प्लस प्लस ए करने से क्या हुआ कि 0 से वैल्यू 1 होगी, 1 हो जाने के कारण वो लूप कम से कम एक बार तो आपका चलेगा ही चलेगा, तो इसका मतलब वो लूप तब, इसका एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब वो इन्फाइनाइट लूप में फंस जाएगा, और इन्फाइनाइट टाइम के लिए लूप हमारा चलेगा।
इंट मेन इंट ए इज इक्वल टू जीरो प्लस प्लस ए प्लस प्लस। अब प्लस प्लस ए प्लस प्लस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एल वैल्यू को मेंशन नहीं किया, मतलब पिछली वैल्यू भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट इकट्ठे लगा दोगे तो क्या आएगी, एरर वैल्यू ही आनी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एरर वैल्यू रहेगी और आपका आंसर रहेगा डी। ये क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश आपके लिए सी लैंग्वेज के बनाए थे। होप यू लाइक द वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी बच्चों की भी मदद हो सके।